चैप्टर नंबर 11 हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी का कर लिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है कि किस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे कैसे क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो उसमें उतनी ज़्यादा हमें फिजिकल प्रोसेस पढ़ने की नीड नहीं है। तो उस चैप्टर को हम पहले ये ओशनोग्राफी वाले जो चैप्टर हैं ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद उसको देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 में ओशनोग्राफी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता है होना चाहिए कि जो ओशनिक जो क्रस्ट होती है दैट इज बेसिक एंड फंडामेंटल क्रस्ट होती है अर्थ की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन होता है कि बेसिक और फंडामेंटल क्रस्ट कौन सी है, क्या वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशनिक क्रस्ट है, तो वो है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 5 से 8 किलोमीटर तक की होती है एंड इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसकी हायर डेंसिटी होती है। मतलब अगर हम कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उससे कंपेयर करें तो ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो उससे ज्यादा होती है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है? ओशनिक क्रस्ट जो है मिड ओशनिक रिजेस में मिलती है, हमने पढ़ा था मिड ओशनिक रिजेस में इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इस तरीके से पूरी ये माउंटेन चेन आगे तक बनी होती है ओशन के बीच में, जैसे अटलांटिक ओशन के तो बिल्कुल बीचों बीच में कुछ ऐसे एस शेप टाइप की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से यहाँ पे बाहर लावा आता है, ठीक है, और मैग्मा ऊपर आता है लावा की फॉर्म में, ये इधर जाता है, इधर जाता है, इसको क्रैक करते हुए ओशनिक क्रस्ट को, यहाँ पे जो निकलता है ये नई क्रस्ट यहाँ पे फॉर्म करता है जो बेसाल्टिक होती है नेचर में, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ये पूरा ओशन फ्लोर है, ये इस तरफ भी पूरा ओशन फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आपका शेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। हम ये पहली वीडियोस में देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये आपकी ओशनिक क्रस्ट चल रही है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेंचेस होती हैं, एक तरीके की आप ये मान लीजिए कि ओशन के अंदर की जो खाई होती है बहुत गहरी गहरी ट्रेंचेस होती हैं, तो ये जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होती रहती है, मतलब कि यहाँ पे जाके वो अंदर चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है इसके अंदर, तो यहाँ से नई ओशनिक क्रस्ट बनती है, यहाँ पे क्रिएट होती है और यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ओके, सो ओशनिक क्रस्ट जो है MOR मतलब मिड ओशनिक रिजेस में बनी और ट्रेंचेस पे जाकर ये डिस्ट्रॉय हो गई। अब हम बात करते हैं अगर ओशन फ्लोर की, कि जो ओशन होता है हमारा, ठीक है, जो समुद्र है हमारा, उसका जो फ्लोर होता है सतह वो कैसी होती है। सी हमने ये पढ़ा था, हम ये इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी पहले वाली जो वीडियोस हैं उनमें देख चुके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में मान लीजिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ये हमारा ओशन स्टार्ट हो जाता है, ये वाटर है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये माउंटेन्स है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये जो यहाँ पे ये है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो शुरू के यहाँ तक थोड़े डिस्टेंस तक ये रहती है, मतलब डिपेंड करता है वो, जैसे कि अटलांटिक ओशन में जो शेल्फ है उसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा जो पैसिफिक ओशन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उससे, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप जो कि थोड़ा इससे ज्यादा स्लोप लिए हुए रहती है, एंड फिर यहाँ से हल्का सा ये ऊपर उठ के आ जाता है, ऐसे करके हमारा प्लेन्स आ जाते हैं जिसको हम डीप ओशन प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इस डीप ओशन प्लेन पे भी बहुत सारे तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं जो हम ऑलरेडी सब कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमें ओशन फ्लोर पे मिड ओशनिक रिज मिलती है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में भी देखी। देन ये हो गया हमारा डीप ओशन प्लेन। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं, टेम्परेचर क्या है ओशन का, ठीक है, किस तरीके से वैरी करता है, एंड उसकी सैलिनिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ ओशन की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं ओशन में। तो पहली चीज़ आती है हमारी लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो सरफेस जो वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो घटता चला जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं,
ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड, और पोल्स पे हमारा, ये यहाँ पे हमारा होगा कौन सा, 90 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है, मतलब मैक्सिमम। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो सरफेस का जो वाटर होता है किसी भी ओशन बॉडी का, ठीक है, सरफेस का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। एंड उसका सीधा सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, तो जो इंसुलेशन है, जो सूरज से आने वाली जो हीट है, ठीक है, वो भी कम होती चली जाती है, कुछ इस तरीके से होती चली जाती है, स्लांट होती भी चली जाती है, ठीक है, और इक्वेटर पे सीधी डायरेक्ट आ रही होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लैटिट्यूड नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब कि जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फेयर में आपको पता चलेगा कि ज्यादा लैंड मास है, मोस्टली जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो नदर्न हेमिस्फेयर में ही हैं, बहुत कम कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि साउथ अमेरिका, ठीक है, तो या अफ्रीका, थोड़ा बहुत अपार्ट फ्रॉम एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका को भी छोड़ दीजिए, वहां पे इतना सर्वाइवल नहीं होता है, ठीक है, तो ज्यादातर तो जो लैंड मास है वो आपको नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो लैंड होता है ना उसकी हीटिंग वाटर के कंपैरिजन में जल्दी होती है, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, तो ओशन जो नदर्न हेमिस्फेयर के हैं वो जल्दी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हीट रिसीव करते हैं, क्यों, क्योंकि वो इतने ज्यादा लैंड मास के कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ओशंस इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ऑलराइट, तीसरी चीज जो अफेक्ट करती है किसी भी ओशन के टेम्परेचर को वो है प्रिवेलिंग विंड, की वहां पे किस तरीके की विंड्स चल रही हैं, किस तरीके की हवाएं वहां पे प्रिवेल करती हैं। अगर विंड जो है, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशंस ड्राइव वार्म सर्फेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, मतलब क्या है कि ये हमारी कोस्ट है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से मान लीजिए ये लैंड है, दिस इज लैंड, ओके, एंड ये हमारा ओशन वाटर है। अगर विंड्स इधर से इधर जा रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर पानी के अंदर, हम करंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, पानी के अंदर अगर वॉर्म सरफेस वाटर है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर का पानी अगर गर्म है मान लीजिए, तो जो हवा इधर से आएगी वो इस पानी को पीछे की तरफ इधर लेके जाएगी, ठीक है, लैंड से दूर लेके जाएगी, मतलब गर्म पानी इस तरफ जाएगा, और अगर गर्म पानी इस तरफ जा रहा है तो इसको भरने के लिए कोई पानी आएगा, नहीं आएगा, तो नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ओके, तो ये इधर जा रहा है और नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमें सरफेस का टेम्परेचर फिर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अगर जो विंड्स हैं वो लैंड से ओशन की तरफ फ्लो कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ आया है, इस प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, अपवेलिंग इस प्रोसेस को दिया जाता है, अभी हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका उल्टा होता है अगर जो विंड्स हैं वो इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, फाइन, सी से लैंड की तरफ जा रही हैं, तो इससे क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, ठीक है। अब वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, इसके कॉन्ट्रैरी अगर हम देखें, जो ऑनशोर विंड्स होती हैं, ऑनशोर विंड्स कौन सी होती हैं, इसके नाम में दिया हुआ है, ऑनशोर मतलब शोर पे आने वाली विंड्स, मतलब ये हमारा लैंड है और ये हमारा सी है, तो शोर पे आने वाली विंड्स मतलब इधर आने वाली, तो इधर आने वाली विंड्स क्या करेंगी कि जो भी सरफेस का गर्म पानी होगा वो और इधर लेकर आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे अपवेलिंग जो है वाटर की नहीं होगी और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। इतनी बात क्लियर है। चौथी चीज ओशन करंट्स, ठीक है, हमने लैटिट्यूड देख लिया कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का सी का, ठीक है, वो देख लिया, देन हमने देखा कि किस तरीके से प्रिवेलिंग विंड्स अफेक्ट करते हैं, लास्ट हम देखेंगे ओशन करंट्स कैसे अफेक्ट करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वार्म ओशन करंट है वहां पे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो क्या करेंगी, टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, ठीक है, अगर कोल्ड करंट है तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, ठीक है, जैसे कि जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम
ये एक वार्म करंट है, ये जो यूएसए है, सपोज ये यूएसए है, ये यहाँ पे कहीं फ्लो करती है, ठीक है, इधर ये नीचे मैक्सिको आ जाता है। तो मैप पे मत जाइएगा, थोड़ी बुरी सी ड्राइंग हो गई है। तो गल्फ स्ट्रीम ये वार्म करंट है, ये क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, कहाँ पे, नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ, ठीक है। एंड जो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप है, ठीक है, इधर हमारा थोड़ा यहाँ पे बीच में अटलांटिक ओशन आ गया, यहाँ पे बीच में ये ब्रिटेन ब्रिटेन है और पूरा वेस्टर्न यूरोप है, तो यही जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है ये आगे की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न यूरोप है थोड़ा बहुत इसको अफेक्ट करती है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी समवट डाउन रहता है, मतलब ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या होना, वार्म होना, ठीक है, गर्म होना। एंड इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं लैब्राडोर करंट की, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एंड ये बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वार्म ओशन करंट है और इनमें से कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो लैब्राडोर और कहाँ कहाँ ये फ्लो करती है, ठीक है। तो लैब्राडोर करंट जो है कोल्ड करंट है, ये क्या करती है, टेम्परेचर को डाउन कर देती है, लोअर कर देती है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे, ठीक है। या इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने ये देख लिया कि ओशन करंट्स जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ओशन के टेम्परेचर को। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वर्टिकल अगर हम देखें, मतलब जैसे जैसे हम ओशन की गहराइयों में जाते जाएंगे, ठीक है, नीचे वर्टिकल डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, तो किस तरीके से जो टेम्परेचर और डेप्थ की जो प्रोफाइल है वो चेंज होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये जो एक्सेस है ये दिखा रही है आपका टेम्परेचर, और नीचे जाते हुए ये हमारी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो उतना टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया है, सेम टेम्परेचर पे है, फिर यहाँ से यहाँ एकदम से चेंज आता है, ठीक है। एंड फिर आप देख रहे हो इस यहाँ पे जब आप आए ये, ठीक है, यहाँ पे तो चेंज आया एकदम से, काफी चेंज आ रहा है, यहाँ पे पहुंच गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर रुक गया। एंड यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप देख रहे हो डेप्थ तो इंक्रीज हो रही है पानी की, 1500 से 2000, 2000 से 2500, लेकिन टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये जो एरिया है जिसमें कि एकदम से इस तरीके से टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको, तो ये जो बाउंड्री रीजन है जिसको मैंने भी आपको बताया, जहां पे रैपिड इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। 90% जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो हमें थर्मोक्लाइन के नीचे मिलता है डीप ओशन में, ठीक है। थ्री लेयर सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम, मतलब कि 90% जो ओशन का वाटर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, इस थर्मोक्लाइन के नीचे मिलता है, और यहीं पे हमारा डीप ओशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डीप ओशन में ऑलमोस्ट टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है, जो भी चेंज आ रहा है आप देख रहे हो इस थर्मोक्लाइन में आ रहा है, ठीक है। और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लेयर टाइप क्रिएट हो रही है, एक तो ये सरफेस लेयर हो गई हमारी, ठीक है, जो नॉर्मली जो ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो इतना 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 27 भी नहीं ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर जो हमारी आएगी वो ये थर्मोक्लाइन वाली आ गई, एंड थर्ड लेयर हमारी ये वाली आ गई, डीप सी लेयर आ गई, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो टॉप लेयर होती है वार्म ओशनिक वाटर की, ठीक है। एक चीज और इसमें कि ये जो तीन लेयर मैंने आपको बताई, ये जरूरी नहीं है कि हर ओशन में आपको मिलेंगी, वो डिपेंड करता है कि उस ओशन का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। ट्रॉपिकल जो ओशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आराम से सन रेज रिसीव करते हैं, ट्रॉपिकल जो ओशंस हैं वहां पे आपको ये तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपको जो सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप जब पोल्स पे जाओगे, जब हायर लैटिट्यूड पे जाओगे, तो वहां पे टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिलेगा ना सरफेस का, ठीक है। तो वहां पे कई बार सिर्फ एक ही लेयर होती है जो कि ये वाली होती है, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये दो लेयर आपको देखने को मिलेंगी, ये वाली जो लेयर है ये गायब रहती है। अभी हम इसको देख लेते हैं आगे सही से।
तो ये जो पहली लेयर होती है ये टॉप लेयर होती है वार्म ओशनिक वाटर की, और ये अराउंड 500 मीटर थिक होती है जिसमें की टेम्परेचर्स 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है जैसे मैंने बताया ये ट्रॉपिकल रीजन में आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है पूरे साल, लेकिन मिड लैटिट्यूड्स में जैसे ही आप जाओगे 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सॉरी 45 से 60 डिग्री पैंतालीस से 60 डिग्री के लैटिट्यूड पर जब आप पहुंचोगे तो वहां पे ये सिर्फ समर्स में डेवलप होगी। देखो ये वाली जो 500 मीटर तक की जो लेयर है, ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर्स में क्योंकि वहां इतनी काफी गर्मी होती है तो आपको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ना वो पूरे साल देखने को मिल जाएगा, तो आपको ये लेयर मिलेगी देखने को। लेकिन जैसे आप मिड लैटिट्यूड में जाओगे, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां पे तो पूरे साल इतनी गर्मी रहती नहीं है, वहां पे सिर्फ समर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, तो ये वाली जो लेयर है ये सिर्फ आपको समर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, सेकंड जो लेयर थी हमारी, ठीक है, जिसको हम थर्मोक्लाइन बोले थे, वो जो लेयर है वो पहली लेयर के नीचे आती है, और वहां पे ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ में और डेप्थ के साथ में एकदम से डिक्रीज होता है। थर्मोक्लाइन जो है वो 500 से 1000 मीटर थिक होती है। ठीक है, अब थर्ड लेयर जो होती है ये बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, और ये बिल्कुल जो डीप ओशन फ्लोर होता है ये वहां तक जाती है। आप आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल्स में अगर देखेंगे तो ये जो सरफेस वाटर है टेम्परेचर, सरफेस वाटर टेम्परेचर होता है ओशन का, वो वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो टेम्परेचर चेंज है डेप्थ के साथ में वो बहुत ही कम होता है। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले कि आर्कटिक और एंटार्कटिक में तो भाई वहां तो गर्मी का कोई मतलब नहीं है ना, तो वहां पे तो फ्रीज्ड हो जाता है पूरा सरफेस टेम्परेचर भी विंटर्स में। ठीक है, तो इतना ज्यादा ठंडा रहता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी टेम्परेचर है, तो नीचे जाते हुए ज्यादा कोई वेरिएशन होता नहीं है उसमें क्या कहते हैं ओशन के टेम्परेचर में। तो इस वजह से पूरे साल वहां पे क्या होता है कि एक ही लेयर मेंटेन रहती है कोल्ड वाटर की, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस से लेकर नीचे ओशन फ्लोर तक। तो अगर क्वेश्चन में ये होता है कि जो थ्री लेयर है, ठीक है, ओशन वाटर की, क्या थ्रू आउट द ईयर वो सारे ओशंस में रहती है, हर लैटिट्यूड पे रहती है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस, तो एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर होता है ओशंस का वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड वही बात है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता चला जाता है। फाइन, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है लैटिट्यूड बढ़ने के साथ में वो कितना है, जनरली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हम 0 डिग्री से मान लीजिए 1 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचे, 2 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचे, तो पर डिग्री, ठीक है, एक डिग्री लैटिट्यूड चेंज करने पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो ओशंस है नदर्न हेमिस्फेयर के वो ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर के, रीजन हमें पता है क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में लैंडमास ज्यादा है, तो ओशंस उस लैंडमास के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इस वजह से हाईएस्ट टेम्परेचर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज इसमें ये है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है ओशन के सर्फेस का, ठीक है, वो इक्वेटर पे नहीं है, स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट है, मतलब कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो हमें ये लग सकता है कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सन रेज आ रही हैं। ठीक है, ऊपर जाते जाते हमने कहा कि लैटिट्यूड के साथ में जो सरफेस टेम्परेचर है ओशन का वो कम होता जाता है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए, बट नहीं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा हीटिंग होती है इक्वेटर पे कि हीटिंग होती है, एंड हर आफ्टरनून को, हर दोपहर में वो उस हीटिंग की वजह से हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है, यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाती हैं एंड फिर बारिश करती हैं, तो उस बारिश की वजह से क्या होता है ना कि हर दोपहर में यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ओशन के सर्फिस का टेम्परेचर वो ज्यादा नहीं होता है। हाँ, जो टेम्परेचर ज्यादा होता है वो थोड़ा सा इससे नॉर्थ पे होता है, मतलब थोड़ा यहाँ पे आप मान लीजिए 5-7 डिग्री लैटिट्यूड पे जो ओशन वाटर का जो सरफेस होगा, ठीक है,
वो ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू दिस 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्यों, कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से, ठीक है, इक्वेटर पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं, ये वही रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया कि हाई रेनफॉल की वजह से इक्वेटर पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है एंड लेस टेम्परेचर रहता है ओशन का कंपेयर टू जो ट्रॉपिकल ओशंस होते हैं। तो अगर ऑप्शन ये होता है कि इक्वेटोरियल ओशंस हैव मोर टेम्परेचर या फिर ओशन एट इक्वेटर हैव मोर टेम्परेचर, मतलब ओशन सरफेस जो इक्वेटर पे है वो ज्यादा गर्म है कंपेयर टू ट्रॉपिकल वाटर, तो वो गलत है। ठीक है, हेमिस्फेरिक वेरिएशन का मतलब वही है जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नदन हेमिस्फेयर में क्योंकि ज्यादा लैंड है तो जो टेम्परेचर है ओशन का वो नदन हेमिस्फेयर में ज्यादा है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। एनक्लोज्ड सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एनक्लोज्ड जो सीज होती हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वाटर की मिक्सिंग अलाउ नहीं करते क्योंकि वो एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी हम पहले फिगर से इसको समझते हैं। ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये आप देख रहे हो बिल्कुल एनक्लोज्ड है। आपने बहुत सारी ओशन करंट्स पढ़ी होंगी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, एंड जो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी देखी होंगी कि लैब्राडोर करंट है, देन उसके अलावा कैनरीज करंट है, ब्राजीलियन करंट है, लेकिन हमने यहाँ कोई करंट नहीं पढ़ी क्योंकि ये एक एनक्लोज सी है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे ना तो कोई करंट बाहर से आ रही है, आप बस ये जो पानी है वही पानी है। ठीक है, तो होता ये है इस एनक्लोजनेस की वजह से कि ओशन करंट के जो ओशन करंट अपने साथ में जो वाटर को सर्कुलेट करती रहती है पूरे हमारे अर्थ पर, तो वो एक एक तरीके से ओशन करंट्स टेम्परेचर को भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, भाई वार्म ओशन करंट अगर जहां जाएगी वो अपने साथ वार्मनेस लेके जाएगी ना, वहां का टेम्परेचर बढ़ाएगी। कोल्ड ओशन करंट जहां जाएगी वो अपने साथ कोल्डनेस लेके जाएगी, वहां का टेम्परेचर वो कम करेगी। लेकिन मेडिटेरियन ओशन, ये मेडिटेरियन सी लिखिएगा यहाँ पे, मेडिटेरियन जो सी है वो तो एनक्लोज्ड है, वो तो बिल्कुल बंद है, वहां पे तो कोई ना तो करंट आ रही है ना जा रही है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है कंपेयर टू सेम लैटिट्यूडल अटलांटिक ओशन वो ज्यादा होगा। मतलब जिस लैटिट्यूड पे मेडिटेरियन सी है यहाँ पे आगे यही अटलांटिक सी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा सरफेस वाटर का और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा सरफेस वाटर का वो अलग होगा, तब कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं क्योंकि यहाँ पे तो मिक्सिंग हो रही होगी ओशन करंट के साथ में, तो इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स एनक्लोजनेस। ठीक है, एक चीज और होती है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक एक्चुअली कंसेप्ट भी होता है, एक मिन ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट, बट एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट दिया नहीं है। दूसरी चीज, वो बहुत ज्यादा इनटू डिटेल हो जाएगा, तो हमें बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी कोस्ट के पास में अपवेलिंग होगी, ठीक है, जब भी अपवेलिंग होगी मतलब पानी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होगा तो वो ऑब्वियसली ठंडा पानी ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, जब भी डाउनवेलिंग होगी तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे गर्म पानी आएगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये कि जब भी अपवेलिंग होती है और ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है तो ये अपवेलिंग अपने साथ में नीचे से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, न्यूट्रिएंट है जिसमें, वो ऊपर लेकर आता है। ठीक है, तो इसी वजह से जिन भी कोस्ट के अराउंड, जैसे पेरुवियन कोस्ट के जो साउथ अमेरिका में जो पेरू कंट्री है, ठीक है, तो पेरुवियन कोस्ट के अराउंड अपवेलिंग होती है, जब अपवेलिंग होती है मोस्टली अपवेलिंग होती है, ठीक है, एल नीनो ईयर्स छोड़ के, तो वहां पे ठंडा पानी ऊपर आता है और उसके साथ में न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो फिशिंग है ना बहुत, मतलब जो फिशेज हैं वो काफी मिलेंगी यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड मिलती हैं, तो इस वजह से इस कोस्ट के अराउंड जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा मतलब प्रॉस्परस होती है। ठीक है, कंपेयर टू दिस, ये वाला जो जहाँ पे डाउनवेलिंग हो रहा होगा मतलब कि गर्म पानी कोस्ट पे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, और फिशिंग इंडस्ट्री और फिशिंग भी उतनी ज्यादा एक्टिव यहाँ नहीं होगी। तो ये था अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। उसके बाद में कंसेप्ट ये होता है कि डाययूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ओशन का एक पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, मतलब कि एक दिन में एक ओशन का जो टेम्परेचर है वो कितना मैक्सिमम पहुंचता है और कितना मिनिमम पहुंचता है, तो इसके बेसिस पे जो हमें प्री के लिए फैक्ट याद रखना है वो ये है कि जो ट्रॉपिकल ओशन है,
ठीक है, उसकी डायूरनल जो रेंज है टेम्परेचर की वो ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है ट्रॉपिकल ओशन में। इसके बाद में इक्वेटर पे एंड पोल्स पे, पोल्स पे तो ऑब्वियसली सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि पोल्स पे तो भाई दिन में भी ठंडा है, रात में भी ठंडा है, सेम ही बात है, ठंडा ही ठंडा है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ओशन, देन इक्वेटर एंड देन पोल्स। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब सालाना, एक साल में कितना मैक्सिमम और मिनिमम इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना हो तो अगर हम एक साल का जो डिफरेंस देखेंगे तो दैट वुड बी सबसे ज्यादा होता है आर्कटिक ओशन में, फिर इंडियन ओशन में, एटलांटिक ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इसका आप कोई कोड भी बना के इसको याद कर सकते हो, फाइन। ओके, तो आर्कटिक, इंडियन ओशन, एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, इसमें सिर्फ ये फैक्टर नहीं होता कि लैटिट्यूड ज्यादा है अच्छा इसलिए आर्कटिक का शायद ज्यादा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कई सारे फैक्टर्स, बट इसके अलावा ये भी होता है कि जो एनुअल रेंज होती है, मतलब एक साल में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जाएगा ओशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू साइज ऑफ ओशन, मतलब जितना बड़ा ओशन होगा, ठीक है, उसकी जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरी अकॉर्डिंग जो बहुत सिंपल सा रीजन है वो यही है कि जितना बड़ा टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी हीट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो उसके ठंडे होने में और उसके गर्म होने में जो टाइम गैप है, ठीक है, वो काफी कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो मतलब जो एनुअल रेंज जाएगी टेम्परेचर की, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा है तो वो, क्योंकि टाइम गैप कम है तो एनुअल रेंज भी कम होगी टेम्परेचर की, ठीक है। ये बस एक छोटा सा रीजन है, बट इसके अलावा बहुत सारे रीजंस इसमें हो सकते हैं। तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली है, ठीक है, अब हम सैलिनिटी ऑफ ओशन की बात करेंगे। सैलिनिटी जो टर्म है वो डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट सॉल्ट का डिसॉल्व है सी के अंदर, ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, कि कितना ग्राम सॉल्ट 1000 ग्राम या 1 किलो सी वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। एंड यूजुअली इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी जो यूनिट है दैट इज पार्ट्स पर 1000 और पीपीटी, ठीक है, पार्ट्स पर, पीपीटी की फुल फॉर्म ही है पार्ट्स पर 1000, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ 24.7% हैज बीन कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट टू डिमार्केट ब्रैकिश वाटर, ठीक है। एक होता है सी वाटर, एक होता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क ही यही होता है कि सी वाटर की नॉर्मली जो सैलिनिटी होती है ना, दैट वुड बी अराउंड 35 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 35 पार्ट्स पर मिलियन के अराउंड होती है। लेकिन जो ब्रैकिश वाटर होता है वो इन बिटवीन होता है, इतनी ज्यादा भी सैलिनिटी नहीं होती, उतनी कम भी नहीं होती फ्रेश वाटर के कंपेरिजन में, ठीक है। फ्रेश वाटर की सैलिनिटी बहुत कम होती है, तो जो ब्रैकिश वाटर होता है उसकी सैलिनिटी होती है 24.7%, ठीक है। अब जो सैलिनिटी है सी वाटर की सैलिनिटी, ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ठीक है, ये परसेंटेज का नहीं है, ये देख रहे हो आप, अलग है परसेंटेज में, यहाँ सिर्फ एक जीरो होते हैं, यहाँ पे दो लगे हुए, दिस पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो 35, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ओशन सैलिनिटी में, क्या क्या होता है सॉल्ट में, क्लोराइड होता है, सोडियम है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ओके, आप देखते हैं कि हम कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ओशन की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, हमें ओशन के टेम्परेचर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हमने देखा। अब हम देखेंगे ओशन की सैलिनिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सैलिनिटी जो वाटर की होती है सरफेस पे, ठीक है, वो एवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। कितना जो पानी का, कितनी, किस रेट से एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन प्रोसेस पता है ना, जिसमें कि पानी जो होता है वो भाप में कन्वर्ट होता है, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश का होना, ठीक है। एक तो चीज हमें ये समझ में आई, अब एवोपरेशन क्यों, सी फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए ये इसमें कुछ पानी था, ये पानी इसमें कुछ सॉल्ट्स भी डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी मान लीजिए हमने ये मान लिया कि इसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है दैट इज अराउंड 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, और पानी जो है टोटल हमारा है
हंड्रेड ग्राम सॉरी 1000 ग्राम ही मान लो, ठीक है, यूनिट्स पे मत जाना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। तो हमारे पास में 10 ग्राम सॉल्ट है इस पानी में, कितने पानी है ये 1000 ग्राम। ठीक, अगर एवोपरेशन हुआ तो पानी भाप में कन्वर्ट होके ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सॉल्ट तो उतना ही था हमारे पास में 10, ठीक है, पानी कितना बचा, पानी अब हमारे पास में मान लीजिए सिर्फ 100 बचा, फाइन। तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है, ठीक है, वो कितनी थी, दैट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.01 आएगी, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 0.1 आएगी। मतलब यहाँ की जो सैलिनिटी है, जो एवोपरेशन के बाद में जो सैलिनिटी आई है, अगर आपको मैथमेटिकल समझ में नहीं आया होगा तो बस याद रखने के लिए ध्यान में रखो कि एवोपरेशन में, क्योंकि पानी ऊपर उड़ जाता है, अब पानी तो कम हो गया, बचे क्या, सॉल्ट। तो और हम सैलिनिटी मेजर कैसे करते हैं कि कितना ग्राम सॉल्ट जो है 1000 ग्राम पानी में है, ठीक है। तो सॉल्ट बचा, पानी कम हो गया, तो इस वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होती है, अगर एवोपरेशन ज्यादा है सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन, मान लीजिए यहाँ बारिश होने लगी, अगर यहाँ बारिश होने लगी तो सॉल्ट का कंटेंट तो उतना ही था हमारा 10 ग्राम, लेकिन पानी का कंटेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। पानी मान लीजिए यहाँ पे 1000 से 10,000 ग्राम हो जाएगा, तो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो 0.001 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रेसिपिटेशन हो रही है तो सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से एवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो है सैलिनिटी को अफेक्ट करती है। सेकंड चीज, सरफेस जो सैलिनिटी होती है वो फ्रेश जो वाटर का फ्लो होता है रिवर्स से, उससे भी अफेक्ट होती है। और पोलर रीजन्स में जो प्रोसेस होती है ना फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग मतलब जब आइस जो मेल्ट करती है, क्यों, वही वाला रीजन है बिल्कुल सेम। अगर आप लॉजिक अप्लाई करो कि भाई ये पानी था, इसमें कुछ कंटेंट होगा, अब रिवर जो है अपने साथ में फ्रेश वाटर लेकर आ रही है, पानी का अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा, सॉल्ट उतना ही है, ठीक है, सैलिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलर केस पोलर रीजन्स में है, भाई यहाँ पे मान लो ग्लेशियर था, ये हमारे पास में एक वाटर बॉडी है, सॉल्ट कंटेंट तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये मेल्ट कर गया, अगर ये मेल्ट करता है यहाँ पे ग्लेशियर, ठीक है, आइस, तो पानी का कंटेंट यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, सॉल्ट उतना ही है, तो सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। विंड भी इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को, कैसे, बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक इतना है कि अगर जैसे जिस भी तरीके से पानी में चेंज आ रहा है, जिस प्रोसेस से, ठीक है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो घट रहा है, उस तरीके से सैलिनिटी जो है वो अफेक्ट होती चली जाएगी। इसी तरीके से ओशन करंट्स भी सैलिनिटी वेरिएशंस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट होता है कहीं पे कि सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दीज आर इंटर रिलेटेड, वाटर की सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी इंटर रिलेटेड है, तो हाँ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी चेंज अगर टेम्परेचर और डेंसिटी में होता है तो वो उस वाटर की सैलिनिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पेशल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशंस, फाइन। तो कौन से फैक्टर्स रहे जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, एवोपरेशन हुआ सैलिनिटी बढ़ गई, ठीक, बारिश हुई सैलिनिटी डिक्रीज हो गई, फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर, अगर सी वाटर फ्रीज हो गया, मैंने यहाँ क्या बोला, फ्रीज होना मतलब जो पानी था वो तो अब आइस बन गया, बचा क्या, सॉल्ट कंटेंट, मतलब सैलिनिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर रिवर रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, रिवर रन ऑफ हो रहा है, पानी इंक्रीज हो रहा है, सॉल्ट कंटेंट वही है, तो इसका मतलब सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सैलिनिटी ऑफ ओशन को अफेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा कुछ ये दिया हुआ था एनसीईआरटी में कि हाईएस्ट जो सैलिनिटी है, ऐसी कौन सी वाटर बॉडीज हैं, तो एक दो में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो है ये लेक वन है, ये लेक है, ठीक है, लेक वन इन टर्की, ठीक है। ऐसी ये है लेक उर्मिया इन ईरान, इनके नाम हमें पता होने चाहिए कि लेक वन कहाँ पे है एंड लेक उर्मिया कहाँ पे है। देन डेड सी कहाँ पे है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। देन ग्रेट सॉल्ट लेक, फाइन, ओके।
कुछ शॉर्ट बजट है, कोई इतने काम का हमारा है नहीं कि कितनी परसेंटेज कितने अमाउंट में कौन कौन सा सॉल्ट जो है डिसॉल्व होता है। तो सबसे ज्यादा जो है क्लोरीन होता है, फिर ऊपर के आप तीन याद रख सकते हो, ठीक है। क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, सल्फेट होता है, मतलब CSS, क्लोरीन सोडियम एंड सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, हाँ ये ब्रोमीन भी होता है, मान लो ऑप्शन में आ जाता है तो हम सोच सकते हैं अरे यार ब्रोमीन होगा क्या, बट ब्रोमीन होगा, ठीक है। एंड ये एक है बोरेट। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात कर लेते हैं। सी जो नॉर्मल जो ओपन सी है, ठीक है, जहाँ पे ओशन करंट्स आपस में मिक्स भी हो सकती हैं, एनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो सैलिनिटी है वो 33 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 37 पार्ट्स पर मिलियन तक हो सकती है, ठीक है। जो लैंडलॉक्ड है, जैसे कि रेड सी है, आप अपनी एटलस उठा के देखिए अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेड सी जो है वो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो लैंडलॉक्ड होते हैं उनकी जो सैलिनिटी होती है वो ओपन सी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो एस्चुरीज होती हैं, एस्चुरीज मतलब वो जहाँ पे की जो रिवर होती है, ठीक है, वो ओशन से मिलती है जाके, तो ये जो माउथ ऑफ द रिवर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एस्चुरीज बनाता है, फ्रेश वाटर लेकर आ रहा है। तो जहाँ पे की एस्चुरीज है या जो आर्कटिक है वहां पे सैलिनिटी जो है फ्लक्चुएट करती है 0 से 35 पार्ट्स पर मिलियन सी से मिली, ठीक है। हॉट एंड ड्राई रीजन्स में अगर आप जाओगे, क्योंकि वहां पे एवोपरेशन काफी ज्यादा होता है। सी रेड सी का भी रीजन यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेड सी एनक्लोज्ड है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा ओशन का तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन ज्यादा है 40 जो सैलिनिटी है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे हॉट एंड ड्राई रीजन में अगर आप जाओगे तो वहाँ एवोपरेशन ज्यादा है, तो वहाँ पे सैलिनिटी आपको 70 पार्ट्स पर मिलियन तक मिल सकती है, ठीक है। हाइएस्ट ये याद रखना है हमें कि हाइएस्ट जो सैलिनिटी है वो 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे देखने को मिलती है, क्योंकि यही तो ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारा, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, ठीक है। तो 15 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड तक सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है, एंड फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं वो घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हाँ बीच में मान लो आप ये कह सकते हो अरे बीच में रेड सी तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन रेड सी की सैलिनिटी कैसे ज्यादा है, बट कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होती है ना, क्योंकि रेड सी की सैलिनिटी ज्यादा होने के रीजन अलग है क्योंकि वो एनक्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज आप सबसे ऊपर टॉप पे अपनी एटलस पे देखोगे तो आपको नॉर्थ सी दिखाई देगा, ठीक है। एंड अपनी अब नॉर्थ सी जो है ये बहुत ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे है, ठीक, फाइन, लेकिन फिर भी यहाँ पे हायर सैलिनिटी है। जबकि अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे पीछे यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे सैलिनिटी डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन मैंने आपको बोला कि एक्सेप्शंस होती हैं क्योंकि सैलिनिटी में आप कुछ कह नहीं सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब नॉर्थ सी के पीछे क्या रीजन है कि नॉर्थ सी इसलिए ज्यादा सैलिनिटी क्योंकि ज्यादा सेलाइन वाटर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये एक वार्म ओशन करंट आती है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ सी है, ठीक है, इधर पे आपका ये आपका ब्रिटेन वगैरह आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ सी है, वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है, और इधर आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ रही है। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है अपने साथ में वार्म वाटर लेकर आती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, एंड इसकी वजह से नॉर्थ सी तब की हाई लैटिट्यूड पे होने के बावजूद इसकी जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। अब बाल्टिक सी जो है उसकी लो सैलिनिटी है, क्यों, बाल्टिक सी भी हाई लैटिट्यूड पे ही है, लेकिन इसकी लो सैलिनिटी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर्स है ना वो काफी सारी वाटर्स आके बाल्टिक सी में मिलती हैं, एंड वाटर अपने साथ में फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, जैसे जैसे वाटर का एडिशन होता है सैलिनिटी डिक्रीज करती है। सिमिलरली मेडिटेरियन सी एनक्लोज सी है, यहाँ पे ऑब्वियसली सैलिनिटी हाई होगी क्योंकि यहाँ पे एवोपरेशन ज्यादा होता है। इसको देखते समय आप अपने पास में एटलस जरूर रखिएगा, मैं इसमें मैप्स ऐड करना भूल गई हूँ तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा उसमें। सैलिनिटी जो है ब्लैक सी में भी कम होती है, ठीक है, ब्लैक सी की भी सैलिनिटी कम है क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स अपने साथ में बहुत सारी रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में जाके गिर रही हैं, तो इसकी वजह से वहां पे जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है वो काफी ज्यादा है, ठीक है।
इंडियन ओशन की ऑब्वियसली हमें इस एवरेज सैलिनिटी पता होनी चाहिए, दैट इज 35 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, एंड पीपीटी, एंड लो सैलिनिटी ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द बे ऑफ बंगाल. देखिए बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी जो है वो कम होती है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में काफी रिवर्स गिरती है आगे, चाहे आप हमारी इधर ईस्टर्न कोस्ट की बात कर लो, महानदी, गोदावरी, बहुत सारी रिवर्स आगे गिरती हैं, देन आपका पूरा जो गंगा जाकर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का पूरा डेल्टा बनता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इधर की तरफ से भी रिवर्स आती हैं म्यांमार साइड से. तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी इस वजह से कम होती है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है रिवर वाटर का, ठीक है. और ठीक है, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर दिए. एंड अगर हम अरेबियन सी से कंपेयर करेंगे तो बे ऑफ बंगाल की जो सैलिनिटी है वो कम होगी अरेबियन सी से. तो इस चैप्टर में तो इतना ही था, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर और है इस शायद इस ओशनोग्राफी पे, उसको हम देखते हैं फिर. थैंक यू.